नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी लड़की के साथ एक लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर आप किसी लड़की के साथ एक लंबे समय से हो, ठीक है, तो आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आपकी जो वैल्यू है लड़की के सामने वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में जिस तरह की एक्साइटमेंट थी ना आप दोनों के बीच, अब वो एक्साइटमेंट कम हो चुकी है। ऐसा क्यों होता है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आपके साथ ऐसा ना हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि वापस से पहले वाली एक्साइटमेंट आ जाए, तो वो कैसे कर सकते हो आप, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, और अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन वगैरह भी होगी ना, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि यार ऐसा होता क्यों है। भाई देखो यार, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जब भी हम किसी भी चीज़ का लेन देन करते हैं, तो यहाँ पर ना एक रूल काम आता है, वो होता है डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता है कि जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या ही हम लेन देन करते हैं, इमोशंस, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है। मान लो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या फिर सिर्फ वो आपकी फ्रेंड है, ठीक है, वो हर रोज़ आपसे एक घंटा बात करती है, ठीक है, और वो हर दिन ना आपको एक घंटा टाइम देती है और आपसे बात करती है। अब इमेजिन करो कि आप उस लड़की के लिए 2-3 घंटे फ्री रहोगे ना, ठीक है, और आप अगर उसको बोल दोगे कि ठीक है तो मुझे कभी भी कॉल कर लेना इस टाइम के बीच में, मैं एकदम राज़ी रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लड़की को ये लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा ही फ्री रहते हो। ठीक है, अगर आप लड़की के लिए दिन भर फ्री रहोगे, अगर आप उसको ये बोल दोगे ना कि तुम्हें जब मन करेगा तब कॉल करना, ठीक है, तो आप तो यहाँ पर सोचते रह जाओगे कि यार पता नहीं कब लड़की कॉल कर दे। ठीक है, पर लड़की ना ये सोचेगी कि यार वो तो फ्री ही रहता है, तो मैं कभी भी उससे कॉल करके बात कर लूँगी। ठीक है, आप जो है ना, आप यहाँ पर सप्लाई बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, कि तुम मुझे कभी भी कॉल कर लेना, मैं फ्री रहूँगा, आप बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो, पर लड़की का उतना डिमांड ही नहीं है। लड़की को चाहिए बस आपका आधा घंटा, राइट, पर आप बहुत ही ज़्यादा सप्लाई दे के रखे हो। इससे क्या होती है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अब यहाँ पर उल्टा केस हम लेते हैं, इमेजिन करो कि लड़की को चाहिए आपका एक घंटा पर डे का, पर आप जो है ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, या नहीं भी रहते हो बिजी, फिर भी लड़की को कहते हो कि यार मुझे ना कहीं और काम रहता है, तो तुम ना मुझे बस इसी टाइम पर कॉल करना। ठीक है, तो लड़की पता है क्या करेगी, पूरा दिन जो भी उसका काम वगैरह रहेगा ना वो निपटा लेगी, और उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उसे बोल के रखोगे कि तुम ना मुझे इसी टाइम पे कॉल करना, उसी टाइम पे आपको कॉल करेगी। ठीक है, क्यों पता है, क्योंकि आपने ना सप्लाई को कम कर दिया, लड़की का जितना डिमांड था उतना ही आपने सप्लाई रखा। ठीक है, अगर आप मान लेते हैं कि थोड़ा और कठिन कर देते इसको, अगर मान लेते हैं कि उस लड़की को आपसे एक घंटा बात करना है, पर आप उसे आधा घंटा ही दे पाओगे बात करने में, ठीक है, तो अब आप लड़की क्या करेगी कि लड़की खुद सोचेगी कि यार बात क्यों नहीं हो रहा इससे, बात क्यों नहीं हो रहा इससे, क्यों पता है, क्योंकि आपने सप्लाई बहुत कम कर दिया, जितना लड़की का डिमांड था उससे भी कम, जिसके वजह से क्या होगा कि लड़की चाहेगी कि आपसे वो ज़्यादा बात करे, और आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। पर क्या है कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कम नहीं कर सकते सप्लाई को, वरना क्या होगा कि लड़की को कोई और सप्लाई करने लगेगा, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं समझाने की बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये लगे कि लड़की आपको वैल्यू कम दे रही है, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपने बहुत ही ज़्यादा सप्लाई बढ़ा दी है। ठीक है, तो अब आपको सप्लाई को कम करना पड़ेगा। अगर आप सप्लाई धीरे धीरे कम करोगे तो लड़की धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। अब आप यहाँ पर कैसे कर सकते हो, मान लेते हैं कि आपकी बंदी थी जिससे आप एक एक घंटा बात करते थे, राइट, नाउ क्या है कि वो लड़की आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देती, आपने उसे इतना ज़्यादा सप्लाई दे दिया कि अब आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गई है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप हर टाइम उसके लिए फ्री रहते थे, तो आप सीधा कुछ दिनों के लिए ना उसके लाइफ से सीधा गायब हो जाओ। अगर आप हर टाइम उसके लिए फ्री रहते थे, अगर आप कुछ टाइम के लिए गायब हो जाओगे उसके लाइफ से, तो लड़की को ना खलबली मच जाएगी कि पता नहीं क्या हो गया, ये है कहाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जब आप वापस लौटो, मान लेते 3-4 दिन अब बाद आप उससे कॉल पे बात करते हो, तो क्या है कि आप उससे ना थोड़ा लिमिट में बात करो, मतलब आप ना हमेशा टाइम पूरा मत दे दो। ठीक है, थोड़ी देर में जब भी आपको ऐसा फील हो ना कि हो सकता है कि अब ये लड़की चली जाएगी, तो उसके बाय बोलने से पहले आप ही बाय बोल दो, ठीक है, और कट कर दो फ़ोन। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे लड़की को भी लगेगा कि मे बी इसके पास और भी कुछ कुछ काम है, एंड दैट्स वाई ऐसा हो रहा है, और उसके बाद फिर वो लड़की ना आपकी वैल्यू करने लगेगी। और ये चीज़ ना बड़ा ही इफेक्टिव है, आप करके देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।